हेलो एवरीवन, मेरा नाम शौर्य कंसाओ है और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिए परफेक्ट बैडमिंटन रैकेट चूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, कभी ना कभी आप बैडमिंटन रैकेट लेने गए होंगे तो आपको बहुत से प्रॉब्लम आती है कि मेरे लिए कौन सा बैडमिंटन रैकेट अच्छा होगा, कौन सा बैडमिंटन रैकेट मेरे स्टाइल को सूट करेगा। तो ऐसे बहुत सी दिक्कत आते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक बैडमिंटन के बारे में एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा, जिससे आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं अपने लिए एक परफेक्ट बैडमिंटन लेने के लिए। तो गाइस, टोटल इसमें 7 पार्ट है, तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मेरा पहला पॉइंट है वो बैलेंस पॉइंट एंड ओवरऑल वेट ऑफ द रैकेट है। तो गाइस, इसमें 3 टाइप के रैकेट आते हैं, एक हेड हैवी रैकेट, एक हेड लाइट रैकेट और एक इवन बैलेंस रैकेट। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको हेड हैवी रैकेट के बारे में बताऊंगा। हेड हैवी रैकेट वो होता है जिस रैकेट का मैक्सिमम वेट उसके हेड पे होता है, हम उसे हेड हैवी रैकेट कहते हैं। तो गाइस, ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनको पावरफुल गेम खेलना पसंद है फ्रॉम बैक ऑफ द कोर्ट। तो गाइस, रैकेट के हेड में एक्स्ट्रा वेट होने के कारण वो हमें पावर जनरेट करके देता है, शॉट्स लाइक स्मैशेस एंड क्लियर टॉसेस। सो गाइस, बेसिकली मोस्ट ऑफ द सिंगल प्लेयर यूज हेड हैवी रैकेट। डबल प्लेयर की बात करूं तो जो बैक ऑफ द कोर्ट मैक्सिमम टाइम ऑफेंसिव गेम खेलता है वो उसके लिए बहुत अच्छा रैकेट है। एग्जांपल ये रैकेट के है ड्यूरा जेड स्ट्राइक, जेड फोर्स 2, एस्ट्रोक 88, एस्ट्रोक 99 आर द एग्जांपल ऑफ सम दीज रैकेट। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं आप, मेरा जो सेकंड रैकेट है वो हेडलाइट रैकेट है। हेडलाइट रैकेट का माने वो होता है जिस रैकेट का मैक्सिमम वेट उसके हैंडल में होता है, हम उसे हेडलाइट रैकेट कहते हैं। तो गाइस, जो डबल्स में जो फ्रंट प्लेयर रहता है उसे काफ़ी नेट खेलना पड़ता है, तो काफ़ी कंट्रोल चाहिए। साथ ही साथ जो उसका रिएक्शन रहता है शटल को मारने का, उसमें भी बहुत स्पीड चाहिए रहता है। तो गाइस, ये रैकेट का एडवांटेज यही है कि ये हमें फास्ट रिएक्शन, गुड कंट्रोल, साथ ही साथ गुड स्विंग देता है हमें। तो गाइस, सिंगल्स में बात करूँ तो वन ऑफ द वुमेन सिंगल प्लेयर फ्रॉम थाईलैंड, नेम रेचनोक, यूज नैनो फ्लेयर 700। सो गाइस, ये था मेरा सेकेंड टाइप का। अब मैं आपको बताऊंगा थर्ड टाइप का रैकेट। तो गाइस, जो थर्ड टाइप का रैकेट है वो इवन बैलेंस रैकेट है। इवन बैलेंस रैकेट वो होता है जिस रैकेट का हेड का वेट और हैंडल का वेट सेम हो, उसे हम इवन बैलेंस रैकेट कहते हैं। इसका माने जो वेट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल ओवर द रैकेट। तो गाइस, इस रैकेट का एग्जांपल है ड्यूरा 10। सो गाइस, अगर आपके पास इवन बैलेंस रैकेट है, आप उसको हेड हैवी बनाना चाहते हो, तो आप उसके बस हेड में लीड टेप लगा लोगे तो वो हेड हैवी बन जाएगा। और अगर आपको हेड लाइट रैकेट बनाना है तो आपको बस एक्स्ट्रा ग्रिप यहाँ रोल करना है, तो उससे वो हेड लाइट रैकेट बन जाएगा। तो गाइस, जो रैकेट का हेड होता है वो 2 टाइप का होता है, एक ओवल शेप का जो कि आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो, और एक जो आइसोमेट्रिक जो कि आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हो। जो ओवल शेप रहता है वो काफ़ी बिगनर्स के लिए रहता है एंड काफ़ी चीपर रहता है एज कम्पेयर टू आइसोमेट्रिक। एंड जो आजकल के जो 90% जो रैकेट बनते हैं वो आइसोमेट्रिक शेप के बनते हैं। आइसोमेट्रिक का बस एक ही एडवांटेज है, जो उसका स्वीट स्पॉट है वो काफ़ी बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू ओवल का। अगर आपको स्वीट स्पॉट नहीं पता है तो स्वीट स्पॉट वो होता है रैकेट का वो पार्ट होता है जहाँ से वो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। तो जैसे ओवल रैकेट, ओवल शेप का जो रैकेट रहता है उसका स्वीट स्पॉट थोड़ा छोटा रहता है एज कम्पेयर टू आइसोमेट्रिक का। सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा रैकेट के टेंशन के बारे में। तो हर रैकेट का टेंशन अलग अलग होता है, तो आपको देखना होगा कि आपका रैकेट कितना टेंशन होल्ड कर सकता है। तो गाइस, जो रैकेट जितना ज़्यादा टेंशन होल्ड करेगा, इससे ये पता लगेगा कि वो रैकेट इतना ही स्ट्रांग है। तो गाइस, जो बिगनर्स के लिए जो टेंशन इस्तेमाल होता है वो 24 LBS के नीचे होता है। जो इंटरमीडिएट प्लेयर रहता है वो 24 से 26 LBS यूज़ करते हैं, एंड जो एडवांस प्लेयर है वो 26 से 32 LBS यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील करो, आप उतना ही टेंशन यूज़ करें। तो गाइज, अब मैं आपको टी जॉइंट के बारे में बताऊंगा। तो गाइज, 2 टाइप के टी जॉइंट होता है, एक सिंगल पीस टी जॉइंट जो कि आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो, और एक 2 पीस टी जॉइंट जो कि आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हो। तो गाइज, जो 2 पीस टी जॉइंट रहता है वो जो रैकेट का हेड रहता है और जो शाफ्ट रहता है वो एक थर्ड मटेरियल से जुड़े रहता है, तो वो थर्ड मटेरियल से जुड़ने के कारण वो वहाँ से वीक हो जाता है। अब मैं वही बात करूँ सिंगल पीस टी जॉइंट की, तो वहाँ कोई थर्ड मटेरियल जुड़े नहीं रहता है, जिससे वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है एज कम्पेयर टू 2 पीस टी जॉइंट। सो गाइज, अब मैं रैकेट के शाफ्ट के बारे में बताऊंगा। तो गाइज, टोटल 3 टाइप के शाफ्ट होते हैं, एक फ्लेक्सिबल शाफ्ट, एक स्टिफ शाफ्ट और एक मीडियम फ्लेक्सिबल शाफ्ट। तो गाइज, जो फ्लेक्सिबल शाफ्ट होता है रैकेट का, उसमें कम पावर लगता है रैकेट को बेंड करने में,
ठीक है, और जो फ्लेक्सिबल शाफ्ट रहता है वो बिगनर्स के लिए रहता है। तो आप यहाँ अभी यहाँ सोच रहे होगे कि रैकेट को बैंड हम क्यों करेंगे, तो गाइस जितना ज़्यादा आप रैकेट को बैंड करोगे उतने ही ज़्यादा आप पावर जनरेट कर पाओगे। अब मैं आपको बताऊंगा स्टिफ शाफ्ट के बारे में। तो गाइस जो स्टिफ शाफ्ट रहता है वो प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए रहता है, और बेसिकली इसको ज़्यादा पावर एंड स्ट्रेंथ चाहिए रहता है रैकेट को बैंड करने के लिए। एक यहाँ स्टिफ शाफ्ट का एडवांटेज ये है कि जब भी आप रैकेट को बैंड करोगे तो वो अनबैंड बहुत ही, उसका जो रिएक्शन टाइम है बहुत ही स्पीड रहेगा एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल शाफ्ट। तो गाइस जो तीसरा टाइप का शाफ्ट आता है वो मीडियम फ्लेक्सिबल शाफ्ट होता है। तो बेसिकली ये इंटरमीडिएट प्लेयर यूज़ करते हैं, और जो मीडियम फ्लेक्सिबल शाफ्ट रहता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड मीडियम स्टिफ शाफ्ट का कॉम्बिनेशन रहता है। सो गाइज अब मैं आपको ग्रिप साइज के बारे में बताऊंगा। सो गाइज जितने भी योनेक्स कंपनी के बैडमिंटन रैकेट आते हैं उसके ग्रिप साइज जी से डिनोट होते हैं, जहां G2 होता है वो सबसे बड़ा बैडमिंटन ग्रिप साइज होता है। उसके बाद आते हैं G3, G4 एंड G5, जो G5 होता है वो सबसे छोटा ग्रिप साइज रहता है। वहीं मैं लीनिंग कंपनी की बात करूँ तो लीनिंग कंपनी के जो ग्रिप साइज है वो S से डिनोट होते हैं, और उसके दो ही ग्रिप साइज है H2 एंड S3, जो H2 है वो एक्स्ट्रा स्मॉल है एंड S3 है वो स्मॉल साइज है। तो गाइज अब मैं आपको बैडमिंटन रैकेट के वेट के बारे में बताऊंगा। सो गाइज जितने भी यूनेक्स बैडमिंटन रैकेट आते हैं उसके वेट यू से डिफाइन होते हैं, 1U, 2U, 3U, 4U एंड 5U, जहां 1U सबसे हैवी रैकेट रहता है और जो 5U रहता है वो सबसे लाइट वेट रैकेट रहता है। वहीं मैं लीनिंग कंपनी की बात करूँ तो यहाँ जो वेट उसका डिफाइन होता है वो W से होता है, और यहाँ तीन टाइप के वेट होते हैं इसके, W1, W2 एंड W3। जो यहाँ W1 रहता है वो काफ़ी लाइट वेट रहता है, और जो W3 रहता है वो सबसे हैवी वेट रहता है। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। रैकेट आई रहा नहीं है, थोड़ा सा रहता कहाँ है? नहीं भी रुकना, एक मिनट, गलत बोल दिया, देख लिया करना बीच बीच में, क्यों नहीं है? अभी नहीं 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 नहीं, नहीं। Fearless. Fearless.